नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। सभी विद्यार्थी एक बार लाइव आ जाइएगा जल्दी से, 11 बज चुके हैं। जैसा कि आप सबको पता है, रविवार को एक मॉक टेस्ट लिया जाता है जिसमें हम पूरे 50 क्वेश्चन हल करते हैं दोस्तों। तो आज पूरा 50 क्वेश्चन आपको हल करवाने वाला हूँ, जिसमें 15 क्वेश्चन जीके के होंगे, 15 साइंस के होंगे और 15 मैथमेटिक्स और 5 रीजनिंग के। जैसा आपके पेपर आता है, ये एक ओरिजिनल पेपर से ही उठाए गए क्वेश्चन है सारे, इसलिए आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप आगामी आर्मी का पेपर देने वाले हों, जो भी साथी तैयारी कर रहे थे जिनका 26 अप्रैल को पेपर था, उनका आगे पोस्टपेंड हो गया, तो दोस्तों कई विद्यार्थी कह रहे एग्जाम कैंसिल हो गया। एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ दोस्तों, पोस्टपेंड हुआ है। आपका एग्जाम बिल्कुल होगा 31 मई या उसके बाद होगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको काफ़ी सारा टाइम मिल गया। इसलिए रेगुलर हम यहाँ प्रिपेयर करवा रहे हैं आपके लिए, आर्मी लेवल की सारे क्लासें यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। रोजाना 11 बजे क्लास होती है। जो भाई चैनल पे नए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि और भी क्लासें आपके लिए आए, लाइव क्लास आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से क्लास ले पाए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का शीघ्र ही हम शुरुआत करने वाले। इससे पहले सभी विद्यार्थी एक साथ मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिएगा। सभी को जय हिंद, राम राम। सभी जय हिंद का एक बार मैसेज लिख दीजिएगा। सभी को राम राम, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय मार शारदे के साथ आज की क्लास का शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों। तो बात करने वाले दोस्तों, आज 50 क्वेश्चन आपका होगा और आपको चेक करना है यदि आपके इस पेपर में लगभग 35+ क्वेश्चन राइट हो रहे, जिनके ग्राउंड का हम माने 100 है, उनके तो 35+ है तो और बढ़िया है, लेकिन इतिहास है उनके भी यदि इसमें 35+ हो रहा है तो बढ़िया आपकी तैयारी है। और उस तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमसे जुड़िए, रेगुलर क्लास लीजिए। हम रेगुलर आपके लिए फ्री क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, 11 बजे रेगुलर क्लास होती है, तो क्लास कभी भी डिस्टर्ब मत किया करो। जो भाई को पता नहीं है वो रेगुलर आ जाए करो चैनल पर, नए काफ़ी सारे विद्यार्थी नए भी जुड़ते जा रहे, तो रेगुलर क्लास लेना शुरू कर दो, आपको तैयारी हम बढ़िया से करवा देंगे। और सारी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहती है। टेलीग्राम एक व्हाट्सअप जैसा ऐप होता है, काफ़ी सारे विद्यार्थी बार बार कहते हैं कि टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें, तो टेलीग्राम बिल्कुल फ्री होता है, व्हाट्सअप जैसा ऐप होता है, जिसमें हमारा आरजे किशन एजुकेशन नाम से आप सर्च करोगे तो एक ग्रुप की तरह चैनल होता है, वहाँ आपको मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लेना। आपको रेगुलर जो भी हम PDF वहाँ प्रोवाइड करेंगे फ्री में आपको मिलती रहेगी। ऐसा कंटेंट हम आपको फ्री में, बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेंगे, जो आपको पैसा देकर प्रोवाइड करते हैं उससे भी बेहतर हम आपको फ्री में यहाँ कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और जिनको मॉक टेस्ट या आर्मी के प्रीवियस ईयर के पेपर सेट चाहिए, यानी हमारी ई-बुक चाहिए, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप क्लास पूरी होने के बाद डाउनलोड कर लेना, जिन साथियों ने अभी तक वो ई-बुक डाउनलोड नहीं किया। चलिए दोस्तों, आज के सेशन का बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पता है, खंड ए में सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आते हैं, तो 15 क्वेश्चन हम पहले सामान्य ज्ञान के करने वाले। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ये एक ओरिजिनल पेपर से उठाया गया है, जो कि आपका शिलांग का पेपर है, शायद तक अभी 23 फरवरी को पेपर लगा था, वही ओरिजिनल पेपर मैंने इंक्लूड किया है, वो पेपर आपको मिल भी जाएगा टेलीग्राम पे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन के काफ़ी क्वेश्चन मैंने वहाँ से लिए और कई क्वेश्चन दूसरे पेपर से भी लिए। क्या दोस्तों, विराट कोहली किस खेल से संबंधित है? आप सबको पता होगा दोस्तों, विराट कोहली है वो क्या है, क्रिकेट के क्या है, खिलाड़ी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आपको काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है, मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे है? दोस्तों मेजर ध्यानचंद का संबंध आपको ध्यान रखना है किससे है, हॉकी से है ध्यानचंद। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी किए। आज का पेपर मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी करूंगा थोड़ा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है, गेहूं है। यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है दोस्तों? गेहूँ है। और भी सारी फसलें आपको पता है, चावल ये भी उगाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक बात करें, प्रमुख फसल की बात करें तो वो है गेहूँ। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में प्राकृतिक आपदा किस वजह से होती है? तो आप सबको पता होगा, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, वहाँ जो प्राकृतिक आपदाएँ होती है, पश्चिम बंगाल ले लो, बल्कि तमिलनाडु ले लो, वहाँ जो प्राकृतिक आपदा होती है वो आप सबको पता होगा चक्रवात के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? ज़्यादातर प्राकृतिक आपदाएँ किसके रूप में होती है?
चक्रवात के रूप में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे हैं। दोस्तों आप जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा, जैसे क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आता है सभी लाइव चैट में जवाब दो, और अपनी कॉपी भी साथ रखिएगा, क्योंकि कोई जो क्वेश्चन की मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता हूँ वो नोट कर लिया करो। रेगुलर कॉपी और पेन साथ रखिएगा, और अंत में आपको कमेंट करके जाना है कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं और आपको क्लास कैसी लगती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, थार का रेगिस्तान किसे कहा मतलब किस देश में है? थार का रेगिस्तान आप सबको पता होगा दोस्तों कहाँ है, वो है भारत में। भारत और बात करें पाकिस्तान में, कुछ पाकिस्तान में भी पड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है भारत और पाकिस्तान में थार का रेगिस्तान पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा है, सारा मरुस्थल है। कौन सा है? सारा मरुस्थल है वो, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कहाँ है, अफ्रीका में, आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेंगे। भारत स्वतंत्र हुआ था, तो आप सबको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में आए हुए, आप ऐसे मत समझना इतने आसान क्वेश्चन कैसे आते हैं। ओरिजिनल पेपर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, देख लेना, यदि नहीं आए हुए तो मिला लेना, भले ही ओरिजिनल पेपर भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं टाइप करके लेता हूँ, क्योंकि उस पेपर में आपको साफ नहीं दिखाई देता है स्क्रीन मतलब फोटो खींच के है, तो आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी ओरिजिनल पेपर वाली हमारे टेलीग्राम पे। क्वेश्चन क्या है, भारत कब स्वतंत्र हुआ था, आप सबको पता है 1947 में हुआ था, कब? 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, भारत स्वतंत्र हुआ था। आपको ध्यान रखना है 15 अगस्त को आपको पता है स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है, और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान तैयार किया गया था, यानी संविधान लागू हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। किस वर्ष रजिया सुल्तान को हम बात करें सत्ताच्युत का मतलब है शासन से उतारा, यानी शासन से त्याग कर दिया था, या कहीं उसने शासन से छुटकारा पा लिया था, यानी शासन से क्या हो गया था, जो सियासन होता है उससे क्या अलग कर दिया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। तो आप सबको पता होगा जो रजिया सुल्तान थी वो भारत की एकमात्र महिला शासिका थी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है भारत की महिला शासिका कौन थी, वो थी रजिया सुल्तान। अब बात कर लेते उसको शासन से अलग कब किया गया था, वो किया गया था 1240 में। आप सबको पता होना चाहिए रजिया सुल्तान को 1240 में क्या किया गया था, आपको पता है 1240 में उसकी मृत्यु भी हो गई थी, तो आपको पता होना चाहिए। आगे वाले तो कोई ऑप्शन हो गए नहीं, अब कई ऑप्शन आपको ये सारे ऑप्शन में आए हुए आंकड़े मैंने दे रखे, जो एग्जाम पेपर में आए थे वही ऑप्शन मैंने डायरेक्ट आपके लिए दिए, तो आप देखोगे तो आपको पता है सुल्तान का जो कार्यकाल की बात करें या जन्म या मृत्यु की बात करें तो 1205 से लेके कितना 1240 तक था, कितना 1205 से लेके 1240 तक था, आप सबको पता होना चाहिए जन्म और मृत्यु की बात करें। तो अब बात कर लेते 1240 में उसकी मृत्यु हुई थी, और बाकी सब ऑप्शन बाद के दे रखे, ये देखो तो कन्फर्म है ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, कौन सा होगा 1240 होगा, तो आप ऑप्शन में थोड़ा बहुत दिमाग लगाएं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है वैसे भी तीन ऑप्शन वैसे ही कट हो जाते, जैसे आपको कई बार क्वेश्चन क्या है नहीं आता है, तो आप ऐसा देख लो कौन कौन उत्तर नहीं हो सकती है, और जो उत्तर नहीं है उसके अलावा बाकी बच गया वही क्या होगा उत्तर होगा, तो इस तरह से आपको ध्यान कर लेना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। क्या है, राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, एक बार नहीं 200 बार आ चुका है, यानी बहुत बार यह एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। 12 सदस्य को हम बात करें राज्यसभा में, बात करें किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। अशोक ने कलिंग युद्ध, हम बात करें कौन सा अंतिम युद्ध लड़ा था, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा लड़ा था, तो आप सबको पता होगा अशोक का अंतिम युद्ध की बात करें कलिंग का युद्ध है, यानी कलिंग शिलालेख से हमें पता चलता है कलिंग का युद्ध है वो अशोक का अंतिम युद्ध था, यह आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं उसका राज्याभिषेक हुआ था उसके बाद यह 8वां युद्ध था, यह भी आपको ध्यान रखना है।
और यदि बात करें ये कौन सी नदी के किनारे हुआ था, यह आप कमेंट करके जरूर बताना। कलिंग का युद्ध हुआ था वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाएंगे। तो यह आपको आज कमेंट करके बताना है कि कलिंग का युद्ध कौन सी नदी के किनारे हुआ था। काफ़ी सारे विद्यार्थियों का जवाब आना भी शुरू हो गए, तो आप सबको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी की। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इसका सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेंगे। पर्वतीय स्थल नैनीताल किस राज्य में है? तो आप सबको पता होगा दोस्तों, नैनीताल से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, नैनीताल किस राज्य में? तो आप सबको पता होना चाहिए नैनीताल है वो उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में दोस्तों? उत्तराखंड में है नैनीताल, आपको ध्यान रखना है काफी बार। और गुरु शिखर है वो राजस्थान में, ये भी आपको ध्यान रखना है। पर्वतीय स्थल गुरु शिखर है वो ध्यान रखना है राजस्थान में सिरोही में, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है। और बात कर लेते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट, जिसे हम बात करें नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के सामने है। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आप सबको पता होना चाहिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। और ये भी ध्यान रखना है राज्यसभा है वो स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है दोस्तों? स्थायी सदन है, जिनका 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्यों का क्या होता है, मतलब अंतराल के बाद वो परिवर्तित होते रहते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी के, जल्दी जल्दी करवाता हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो जाएगा, नहीं तो 50 क्वेश्चन करवाएंगे 1 घंटा से ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आपको लगभग पौन घंटे या 35-40 मिनट में सल्टाना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? साइकिल का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए पेडल वाली साइकिल है, पेडल दे के हम चलाते हैं साइकिल को, उसके आविष्कार की बात करें मेन साइकिल वहीं से बात करते हैं, तो उसका आविष्कार किसने किया था आप सबको पता होना चाहिए। मैकमिलन ने किया था। कब किया था आप बात कर लेते हैं, ये किया था 1839 में। कितने में किया था आपको ध्यान रखना है? पेडल 40 की बात करें तो स्कॉटलैंड का जो क्या था, मैकमिलन था, उसने आविष्कार किया था। अब बात कर लेते हैं 1817 में, आपको पता होना चाहिए साइकिल का हम बात करें तो रूपरेखा के रूप में बनाई गई थी, वो किसने बनाई थी, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। 1817 में जर्मनी के हम बात करें बेटन वॉन डेविस ने भी पहले बना दी थी, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन ये तो ऑप्शन में आपके दे नहीं रखा है। तो आपके बात कर लेते हैं 1839 में मेन इसको माना जाता है, आपको ध्यान रखना है साइकिल का आविष्कार मैकमिलन को माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी वो भी ध्यान रखना है, बेटन वॉन जो क्या है डेविस है उसको भी ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपको इसका मानना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला बार आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना किसने की थी? काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप जल्दी से लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो रामकृष्ण परमहंस था वो आप सबको पता है स्वामी विवेकानंद का गुरु था, तो उसी के नाम पर स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है। काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आपके भी एग्जाम में आ सकता है, और आपको अदर क्वेश्चन जो भी बनते हैं ध्यान रखने चाहिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। लोहे पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, या कहे भारत का बिस्मार्क किसे जाना जाता है? तो आप सबको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या जाना जाता है, भारत का लोहे पुरुष या कहे भारत का बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है। आपको मैंने बता भी रखा है उपाधियों से संबंधित ये क्वेश्चन पक्का आता है, तो जो भी उपाधि होती है वो टॉपिक वाइज हम कर ही रहे हैं, प्रत्येक टॉपिक का रेगुलर 11 बजे टॉपिक वाइज हमारी क्लास लगती है, तो जो विद्यार्थी नए है वो क्लास अवश्य लिया करो, ताकि जब हम प्रत्येक 7 दिन के बाद जो मॉक टेस्ट लेते हैं उसमें पूरे से पूरे करने की आप कोशिश कर पाते हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज सब सिस्टम हम करवा रहे हैं हमारे चैनल पर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन आपको ध्यान रखना चाहिए, यहाँ बात कर लेते हैं महात्मा गांधी को बापू के नाम से जाना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री, इसके सबके आपको उपनाम ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आप सबको पता होगा विश्व बैंक का मुख्यालय है वो कहाँ है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता है वाशिंगटन डीसी में है,
हम बात करें यूएसए में कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये भी ध्यान रखना है, वाशिंगटन डीसी में। अब बात कर लेते हैं डब्ल्यूएचओ, जो कि हाल ही में ज़्यादा प्रचलित है। डब्ल्यूएचओ को फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी अब बात करें विश्व स्वास्थ्य से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों जेनेवा में कहाँ है, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है जेनेवा में ये। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके 15 आपके स्क्रीन के सामने, जो कि जीके का अंतिम क्वेश्चन है, फिर आपकी साइंस की शुरू हो जाएगा। पलासी का प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के किनारे या कि कई किस नदी के तट पर लड़ा गया था? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो आप सबको पता होगा गंगा नदी के किनारे लड़ा गया था। कहाँ दोस्तों, गंगा नदी के किनारे, और कब लड़ा गया था, सभी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा, क्योंकि काफ़ी बार रह चुका है। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये लड़ा गया था 23 जून, कब दोस्तों, 23 जून की बात करें तो, और कब लड़ा गया था, 1757 में लड़ा गया था। कब, 1757 में लड़ा गया था पलासी का युद्ध, ये भी आपको ध्यान रखना है, सिराजुद्दौला। और बात करें हम जो रोबर्ट कलाइव था, उन दोनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला था वो हार गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की बात करनी है। एक मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों, एक मानव कोशिका या कहे मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या आपको पता है 46 होती है। कितनी होती है, 46 होती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और जोड़ी के रूप में लिखे तो 23 जोड़ी, क्योंकि आपको पता है एक जोड़ी में दो होती है, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है, यदि जोड़ी के रूप में लिखा हो तो 23 जोड़ी, और वैसे कहे तो 46। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? आप सबको पता होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है, आपको पता होना चाहिए। और घनत्व अधिकतम होता है और आयतन क्या होता है, न्यूनतम होता है। जिस जगह घनत्व अधिकतम होगा, आयतन उस जगह क्या होगा, न्यूनतम, यह भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आयतन क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। और पानी के गलनांक की बात करें, गलनांक कितना होता है, पानी का गलनांक आपको ध्यान रखना है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और कवंतनाक कितना होता है, ये होता है कवंतनाक, कवंतनाक का मतलब वाप के रूप में ऊपर उड़ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाप बन जाता है पानी का, तो इसलिए कवंतनाक कहते हैं। गलनांक यानी बर्फ का गलना, तो आपको ध्यान रखना है पानी का गलनांक कवंतनाक। और बात कर लेते हैं ये इसका घनत्व सर्वाधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में निकलती है, तो आप सबको पता होगा एक्स किरणें होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, आपको ध्यान रखना है। एक्स किरणें है या रेडियो किरणें होती है, ये क्या होती है, आपको ध्यान रखना है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है वो प्रकाश के वेग से गति करती है, प्रकाश का वेग आपको पता है, प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो इसका वेग आपको ध्यान रखना चाहिए 3×10^8 m/s होती है, आपको पता रखना है। प्रकाश भी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे है, और सभी विद्युत चुंबकीय की चाल की बात करें तो ये इतनी होती है, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। जस्ता और तांबा का मिश्र धातु किस नाम से जाना जाता है? आपको पता है जस्ता यानी जिंक, और प्लस क्या, तांबा कॉपर CU, ये ऐसे भी लिख सकता है, Zn+Cu किस मिश्र धातु कौन सी है, तो आप सबको पता होना चाहिए। मैंने बताया था जिंक पिताजी, मैंने आपको ट्रिक बताई थी पिताजी वाली, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पिताजी वाली में बात करें तो तांबा और जिंक का मिश्र धातु क्या कहलाता है, पीतल कहलाता है, तो आपका ऑप्शन में कौन सा राइट होगा, बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी दे भी रहे हैं लाइव चैट में जवाब। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन, आपको ये भी बताया था काका टी, ये किसका आपको बताया था काका टी, ये था आपका कांसा का क्या था, कॉपर और टिन था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करनी है। क्या की मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? आपको पता होना चाहिए, हम बात कर लेते हैं किसको, सौर ऊर्जा को किस में बदला जा रहा है, विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है, आपको पता है सौर सेल के द्वारा बदला जाता है, या कहे सौर प्लेट कह दी या सौर सेल कह दी, सोलर सेल, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आपको और भी काफ़ी सारे सोलर भट्टी होती है, आपको पता है इसमें अवतल दर्पण लगा होता है, सोलर भट्टी में कौन सा दर्पण लगा होता है,
आपको ध्यान रखना अवतल दर्पण लगा होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आपके स्क्रीन के सामने सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव स्टेट में जवाब देने की कोशिश करो। गठिया की बीमारी है, आपको पता होना चाहिए गठियों की बीमारी है वो जोड़ों से संबंधित है। किससे संबंधित है? जोड़ों से संबंधित है। क्योंकि आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपके लिए करवा रहा हूँ, क्योंकि जीके और जीएस में आपको टाइम कम लग के मैथ को आपको सही ढंग से समझना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आपके स्क्रीन के सामने सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना। क्या है? यदि तीन प्रतिरोध 4 ओम, 5 ओम और 20 ओम को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो कुल प्रतिरोध बताओ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है श्रेणी क्रम में हो, आपको ध्यान रखना है श्रेणी क्रम में हो तब तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, आर कुल, मतलब आर कुल की बात करें, आर टोटल लिख देता हूं मैं, टी लिख देता हूं, ठीक है, वो होता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, इस तरह से जुड़ता है। और यदि हम बात करें पार्श्वक्रम या समांतर क्रम, एक ही बात है, पार्श्वक्रम कह दो या समांतर क्रम, इसकी बात करें तो आपको ध्यान रखना है एक बट्टा आर टी टी का, मतलब मैं टोटल मान रहा हूँ मैं, ठीक है, एक बट्टा आर वन प्लस एक बट्टा आर टू प्लस एक बट्टा आर थ्री, इस तरह से आगे चलता जाता है। तो आपको ये दोनों सूत्र ध्यान होने चाहिए। तो आपके यहाँ समांतर की बात की है या श्रेणी की, आपके बात की है देखो समांतर, इसका मतलब कौन से वाला सूत्र लगेगा, ये वाला लगेगा। चलिए मैं निकाल के आपको बता देता हूँ। तो आर क्या निकालेंगे, आपको पता है एक बट्टा चार प्लस एक बट्टा पाँच प्लस कितना, एक बट्टा बीस, ये किसके बराबर होगा, एक बट्टा आर टी के बराबर। टी का मतलब मैं टोटल मान रहा हूँ, ठीक है, टी का मतलब टोटल, आपको ध्यान रखना है समांतर में हो तो इस तरह से रूल लगाना है। अब बात कर लेते हैं, चलिए लघुतम कितना आ रहा है, 20 आया। फिर देखो कितनी बार, 5 प्लस 4 प्लस कितना, 1, आपको पता है 10 बटे 20, यानी कितना आया, 1/2। 1/2 मान किसका है, 1/2 मान है 1/RT का, मतलब इसका मतलब RT ज्ञात करना है आपको, यानी इसका उल्टा कर दो, 2/1, यानी हम बात करें तो कितना आया, 2 आया, कितना आया, 2 आया। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ए राइट होगा। काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए, और यही होता है यदि श्रेणी क्रम में तो जुड़ता, आपको ध्यान रखना 9 4 5 9 20 29 होता, यदि ये श्रेणी क्रम में होता तो टोटल आप जोड़ सकते हो। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करनी है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका लाइव चैट में सही जवाब दे पाते हैं। सभी विद्यार्थी एक बार बताने की कोशिश करिएगा आज की क्लास आपको कैसी लग रही है। एकदम ये आदमी का ओरिजिनल पेपर है दोस्तों, तो आप ध्यान से करने की कोशिश करो, आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं आप मिला भी सकते हो। क्वेश्चन क्या है, किसी, हम बात करें किसी रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को कहती है। तो आप सबको पता होना चाहिए जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है, या कहीं वो क्या होती है, प्रतिरक्षा होती है। क्या होती है, आपको ध्यान रखना है क्या होती है दोस्तों, प्रतिरक्षा होती है। जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है वही क्या होती है, प्रतिरक्षा होती है। तो आपको ये क्वेश्चन तो एकदम नॉर्मल ट्राई कर भी सकते हो आराम से, तो इसका जवाब क्या होगा, प्रतिरक्षा, क्या होगा, प्रतिरक्षा होगा आपका। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन के सामने सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। शरीर में लोहे की कमी से होता है, तो लोहे की कमी से आप सबको पता होना चाहिए कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। क्योंकि आपको पता है रक्त में, या रक्त की बात करें तो रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, आपको पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन, या बात करें लोहा होता है। क्या होता है, आयरन कह दो या लोहा कह दो। तो आपको ध्यान रखना इन तीनों का जो भी बनता है। अब आपकी क्वेश्चन ऐसे आ जाए, रक्त का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है, और हीमोग्लोबिन में मुख्य अंश क्या होता है, आयरन या कहे लोहा होता है, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। या आपको ऐसे भी ध्यान रखना है विटामिन बी की कमी से, बेरी बेरी या मंद बुद्धि से जो भी रोग है, एनीमिया, ये विटामिन बी की कमी से भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, जो आंखों से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन के सामने सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करनी है। प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति का प्रकटन होता है। तो आप सबको पता होना चाहिए जैसे हम बात करते हैं पोलेराइड होता है, वो ध्रुवण, पोलेराइड के माध्यम से प्रकाश के ध्रुवण को हम देख सकते हैं। तो हम बात करें तो प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति है, इसका मतलब हम बात करें किसके द्वारा निरीक्षण कर सकते हैं, वह ध्रुवण के माध्यम से कर सकते हैं। और ध्रुवण का निरीक्षण करने के लिए आप सबको पता होना चाहिए पोलेराइड होना चाहिए। पोलेराइड आप सबको पता है, जिनको 11वीं 12वीं पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत उनको ध्यान में होना चाहिए पोलेराइड क्या होता है, वो ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण करता है।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं, 26 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। ध्वनि का अधिकतम वेग होता है, तो सभी एक बार लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेंगे, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तो ध्वनि का अधिकतम वेग होता है वो होता है ठोस में, और ठोस में भी बात करें तो किस में होता है आपको ध्यान रखना है, इस पात में। ठोस में भी बात करें तो ठोस में किस में होता है, इस पात में सर्वाधिक ध्वनि का वेग होता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, वायु में ध्वनि का वेग काफी बार बता दिया एग्जाम में आया हुआ है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है वायु में ध्वनि का वेग, और निर्वात में ध्वनि का वेग नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है, बिना माध्यम के ध्वनि गमन नहीं करती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। क्वेश्चन क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड पानी में विघटित होकर क्या बनाता है, तो आप सबको पता होना चाहिए जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 बनाता है, क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है, यानी आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे हैं, तो क्लास के दोस्तों अंतिम तक बने रहेगा, आपको क्लास बहुत ही बढ़िया लगेगी उम्मीद करता हूँ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। क्या है, निम्न में से किसको पुनर्चक्रण किया जा सकता है, सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आप सबको पता होगा पुनर्चक्रण का मतलब एक बार यूज लेने के बाद पुनः यूज में लिया जा सकता है, तो आप सबको पता होगा वो धातु है, धातु को आपको पता है एक बार यूज लेने के बाद दोबारा भी यूज में लिया जा सकता है, जबकि प्राकृतिक गैस है एक बार खत्म हो गई वो खत्म हो गई, कोयला भी खत्म हो गया जल गया तो राख बन गया कोई काम नहीं आएगा, प्राकृतिक गैस भी काम नहीं आएगी, तो धातु या कहे रबर प्लास्टिक ये होते हैं दोस्तों, इनको पुनर्चक्रित किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करनी है। अस्थायी चुंबक बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो आप सबको पता होना चाहिए काफी बार आ चुका है, नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा, और स्थायी चुंबक बनाने के लिए ये भी ध्यान रखना है, स्थायी चुंबक की बात करें दोस्तों वो होता है इस्पात, ये भी ध्यान रखना है, आपको कहा है अस्थायी तब आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, और स्थायी चुंबक की बात करें तब इस्पात करना है आपको। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आपके उनके सामने, जो कि सामान्य विज्ञान का अंतिम क्वेश्चन है। क्या है, निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस से फैलती है, वायरस से फैलने वाली बीमारी कौन सी है, सभी विद्यार्थी एक बार लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेंगे। वायरस का मतलब आप सबको पता है क्या, विषाणु, विषाणु जनित रोग आपको बताना है। बीमारी दो प्रकार की होती है, एक जीवाणु जनित और एक होती है विषाणु जनित या कहीं वायरस जनित। तो वायरस जनित रोग आप सबको पता है एड्स है, क्या है दोस्तों एड्स है, एड्स है वो क्या है, हम बात करें वायरस जनित रोग है। अब बात कर लेते हैं निमोनिया टाइफाइड प्लेग ये क्या है, ये जीवाणु जनित रोग है, ये आपको ध्यान रखना है। और एड्स है, अब आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी अब मैथमेटिक्स का टॉपिक शुरू हो गया, तो आप सबको पता है मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, तो ये टॉपिक तो आपके बहुत ही बढ़िया समझ आने वाला हूँ मैं। क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, आप सबको पता होना चाहिए त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ये मैंने आपके लिए त्रिभुज बनाए, तो अब बात कर लेते हैं त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। और त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दी हो जो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, डी राइट होगा। और आपको हीरोन का सूत्र भी याद रखना है, क्या होता है ये भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है, S S-A S-B और S-C, ये होता है हीरोन का सूत्र। थोड़ा मैं सही नहीं लिख पाया हूं तो आप ध्यान से थोड़ा समझ लेना, ठीक है। एस क्या है, अर्ध परिमाप होता है त्रिभुज का, ए बी सी क्या है, भुजाएं, तो आपको ध्यान रखना है S S-A S-B और S-C, और पूरे के ऊपर क्या है, रूट है, ये आपका हीरोन का सूत्र भी याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 32 आपके के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। क्या आपको बताए 3, 4 और 5 का लहस है, बताओ, तो 3, 4 और 5 का लहस है, आप आराम से निकाल सकते हो इस तरह से। पहले किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, इसका मतलब ये 3 का 3 पड़ा और यहाँ 2 बार गया और यहाँ 5, फिर 2 का जा रहा अभी कितनी बार, 3, 1 और 5, फिर किसका देना पड़ेगा, 1 बार 3 का देना पड़ेगा और 1 बार 5 का, इस तरह आप गुणा कर लो, 15 दुनी 30, 30 दुनी 60,
यानी आपका लेस है कितना आएगा, 60 आएगा। तो छोटी छोटी संख्या 60 है जिसमें तीनों दी गई संख्याओं का भाग जा रहा है, आपका लेस है कितना होगा, 60 होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना। क्या है, दो वर्ष, क्वेश्चन क्या है, दो वर्ष और तीन वर्ष में 2100 रुपए का 8% ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर से दोनों वर्षों की ब्याज का अंतर बताओ। साधारण ब्याज है, ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए दो वर्ष और तीन वर्ष के ब्याज का अंतर पूछा है। इसका मतलब दो और आगे तीन, इसका मतलब ये वाला अंतर होगा, यानी एक वर्ष का आपको ब्याज निकालना है। यहाँ भाषा थोड़ी सी आपको दी है, दो वर्ष और तीन वर्ष, इसका मतलब दोनों का अंतर का मतलब है एक वर्ष का ब्याज निकालना है। और साधारण ब्याज आप सबको पता होना चाहिए क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा मूलधन कितना 2100 गुणा दर कितना दे रखा है आपको, 8 दे रखा है, और गुणा समय 1 है, क्योंकि अंतर आपको पता है दो वर्ष और तीन वर्ष में अंतर कितने का, 1 का बट्टे में क्या लगाना पड़ेगा, 100। अब आपको पता है ये 2 0 2 0 कट गया और ये आया 8 और 16, 168 रुपये कितना आएगा दोस्तों, 168 रुपये इसका क्या आएगा, उत्तर आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, ए राइट होगा। ये तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, समझ में भी आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। 106 गुणा 106 प्लस 94 गुणा 94, पहले बात तो आपको गुणा हल करना है, पहले क्या हल करना पड़ेगा, गुणा हल करना पड़ेगा। 106 को 106 से गुणा करते हैं, तो आपको मैंने बताया हुआ है कोई भी संख्या 100 के आसपास की होती है तो उसको गुणा करना बहुत ही आसान होता है। 106 में 6 जोड़ा कितना हुआ, 112, और 6 को 6 से गुणा किया कितना है, 36। अब बात कर लेते इसको गुणा करो तो 6 कम है, इसका मतलब 94 में 6 कम कर दो कितना हुआ, 94 में 6 कम करें 88, और फिर आपको पता है 6 कम है इसका मतलब 6 गुणा 6 यानी 36 कितना होगा, 36। अब इनको जोड़ दो, ये क्या होगा, जोड़ नहीं तो आपको ये तो इनको गुणा किया तब आया और ये आया इनको गुणा किया तब, अब इन दोनों को जोड़ दो, 12 7 फिर 0 हंसी लगी 1, यानी आपका जवाब क्या आएगा, ये वाला आएगा, यानी 272, 200 लगा के फिर बेहतर, यानी आपका कौन सा जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे, तो आपका कितना होगा, 20,000 बेहतर होगा, कितना होगा, 20,000 बेहतर वाला ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आपका। एक मिनट, क्या है, बेहतर कौन सा है, सॉरी दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 20,000 बेहतर कौन से में, ऑप्शन नंबर सी में, ये नहीं होगा, ध्यान रखना मैंने सॉरी गलती से टिक लगा दिया था, ठीक है। तो आपका कौन सा होगा, 20,000 बेहतर वाला ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी है, मैंने ध्यान नहीं दिया, 32 ऊपर वाला, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, सी राइट होगा। अब गुणा करना भी आपको आना चाहिए, 100 के आसपास वाली संख्या का गुणा करने की मैंने ट्रिक भी बता रखी है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको वीडियो भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर अगला 35 आपके विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका लाइव चैट में सही जवाब दे पाते हैं, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 35 आपके स्क्रीन के सामने। क्या है, 40 किलो का कितना प्रतिशत 10 किला है, तो आपको पता है 10 किला है वो 40 किला का कितना, ये आपको प्रतिशत में चेंज करना है, गुणा में क्या लगा दो, 100 लगा दो, 0 0 कटा वो 86 कितनी बार कटा, 25 बार, तो आपको ध्यान रखना कितना प्रतिशत है, 25% है, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर राइट कौन सा होगा, डी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है क्वेश्चन, 10 किलो कोमा 40 किलो का कितना प्रतिशत है, ऐसे भी लिख सकता है या इस तरह लिख सकता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 36 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। 10 मीटर प्रति सेकंड को किस में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ प्रति घंटा का मैंने चिन्ह लगा रखा आपके तो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आपको पता है 10 गुणा किलोमीटर की तरफ जाना है, यानी बड़े की तरफ जाना है, इसका मतलब 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, कर दो, कितनी बार कटा, दो बार, 18 दूनी कितने हो गए, 36 हो गए, कितना हो गया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या आएगा, जवाब आएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, डी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे पा रहे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला बढ़िया है आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। क्या है, 1 मीटर लंबे तार से बने वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। पहले बात कर लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है। इसका मतलब 1 मीटर का मतलब कितना हुआ, 100 सेंटीमीटर हुआ, कितना हुआ, 100 सेंटीमीटर हुआ। अब बात कर लेते हैं आपको ये 100 सेंटीमीटर है, ये क्या है, 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त, वृत्त है, इसका मतलब ये तार की लंबाई है, और आपको पता है वृत्ताकार है, तार किस रूप में, इस रूप में वृत्ताकार, इसका मतलब
वृत्ताकार तार की लंबाई यानी 2πr आपको दे दिया। क्या दे दिया दोस्तों? 2πr, क्योंकि परिधि दे दिया आपको, परिधि, तार की लंबाई वो परिधि होगी वृत्त के रूप में, इसका मतलब। तो अब बात कर लेते हैं, आप r ज्ञात कर लो, 2 × 22/7 × r बराबर कितना आपका 100 है, कितना है 100 है। अब बात कर लेते हैं, इसको जो कट रहा है वो काट दो, 2 से काटा कितनी बार कटा, 50 बार, कितनी बार कटा, 50 बार, और ये 2 से काट दो, ये 11 बार कटा, और ये 2 से 25 बार, इसका मतलब। अब बात कर लेते हैं आपका कितना है, आर बराबर आया 25 × 7/11, यह आया आर आपका सेंटीमीटर में है। अब आपको आगे हल, इसको आर को हल नहीं करना है, आर बराबर है ठीक है ना, आर बराबर कितना मान आ गया, 25 × 7/11, ये आर का मान आ गया, आप नोट कर लो साइड में थोड़ा सा, आर का मान कितना आया, 25 × 7/11 आया। अब आपको निकालना क्या है, आपको त्रिज्या नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना, और क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पहले परिधि देख के आप क्षेत्रफल बुझ जाए ठीक है। तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब आपको पता है 22/7 × r² r आपकी कितनी आई थी, 25 × r 25 × 7/11, इसको कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है, 25 × 7/11 2 बार लिख लिया। अब इसको यदि आप काट पीट करके हल करोगे तो कितना आने वाला आपको, 795 कितना आएगा, 4.5 ही आएगा, आप ये गुणा भाग करके देख लेना, और सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, क्षेत्रफल किस में होता है, स्क्वायर में होता है, इसलिए आपका जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ये आप आराम से गुणा भाग कर लेना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना। क्या है, यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपको दे रखा कितना, 180, तो आपको पता है मूलधन निकालना है, तो मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणा 100/, हम बात करें दर गुणा समय, तो आपको दे रखा है कितना, 180 × 100 लगाए, यानी ब्याज गुणा 100/ क्या, 5 × कितना, 3। अब आप इसको काट पीट करके हल कर लो, चलो मैं काट देता हूँ, ये कितनी बार कटा, 60 बार, कितनी बार, और ये 5 से काटा 12 बार, 12 और 2 0 यानी कितना रुपये हो गया आपका, 1200 रुपये होगा। काफ़ी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे हैं, जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, बी राइट होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या है, एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है, हाइट दे रखी है, और उसकी त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या कितनी है, 7 है, तो उसका आयतन बताओ। तो आप सबको पता है बेलन का आयतन क्या होता है, सूत्र सभी को आना चाहिए पहले बात, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसमें मान रख दो 22/7 × r का मान कितना दे रखा है, रेडिएशन आपकी कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, 7 को 2 बार रखना है, और फिर एच कितना दिया है, 15। अब इसको आप हल करो, गुणा भाग करोगे तो आपका कितना आएगा, जल्दी से एक बार गुणा करके देखिएगा सभी विद्यार्थी, तो आपका आएगा 2310। कितना आएगा दोस्तों आपको, 2310 पूरा पूरा आएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपके एग्जाम से आया हुआ है उठाए, तो उसमें ऑप्शन आपको इस तरह दे रखे थे, आपको पता है इसको गुणा करोगे 2310 पॉइंट, अब आपको पता है इसमें पॉइंट वो दे रखा है, तो आपको 2310.07 वाला करना है, क्योंकि ये पॉइंट के आगे क्यों आ रहा है, क्योंकि पाई का मान उन्होंने 3.14 या कुछ थोड़ा बहुत आगे पूरा लग रखा है, इसलिए इस तरह से आएगा आपका, तो आपका 2310 क्या कह सकते हैं, ऑप्शन में आपको देख लो कौन सा दे रखा है, ये वाला होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है, 2100/ कितना, 2100/ आपको क्या दे रखा है, 2100/50 आपको करना है, तो आपको पता है 0 से 0 काट दो, और 210/ कितना करना है, 5 का भाग देना, कितनी बार जाएगा, 4 बार गया, और फिर 2 बार, आपका उत्तर कितना होगा, 42 होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, ए राइट होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या है, आपको पता है 3x + 2 = कितना दिया आपको, दिया 23, फिर इसको 2 उधर लेके घटा दो, 3x 2 उधर जाके घटा कितना बचा, 21, इसका मतलब एक्स बराबर आया 21/3, कितना, 21/3 का मतलब कितना हुआ, आपका जवाब होगा 7, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, ए राइट होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है, क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। एक व्यापारी को 17 बैग चावल के, ठीक है,
हम बात करें तो 1020 रुपये में बेचने पर 51 रुपये की क्या होती है, हानि होती है। तो फिर यहाँ थोड़ा सही कर लो, लेख की जगह क्या कर लो, बेग है यहाँ, ठीक है। क्या है बेग है, बेग की क्या है कीमत, क्या है क्या कीमत है आपको बेग की कीमत बतानी, यानी उन्होंने कितने रुपए में एक बेग को खरीदा था वो कीमत बतानी। तो आपको पता है 1020 रुपये में उसने बेचा, 1020 रुपये में बेचने पर उसको क्या लगा है, घाटा लगा है। कितने रुपए का घाटा लगा है, ये अगले ने दे रखा है कितने, यानी 51 रुपए का क्या हुई है, हानि हुई है। इसका मतलब खरीदा कितने में था, प्लस 51 कर दो, यानी उसने खरीदा था 1071 रुपये में खरीदा था, 51 का घाटा लग गया, तभी तो 1020 में बेचा है। अब बात कर लेते हैं बेग कितने थे, बेग थे 17, तो 17 का भाग दो, 100 102, फिर कितना बचा, 5 70 51, यानी आपका कितना आएगा, 63 रुपये आएगा। एक बेग का मूल्य कितना आएगा, 63 रुपये में उन्होंने खरीदा था और बेचा कितने में, 60 में। तभी तो आपको पता है 70 102 होता है, यानी 1020 में बेचा है। तो मूल्य उसका बेग का कितने में उन्होंने खरीदा था, 63 रुपये में खरीदा था, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, डी राइट होगा। और कहीं कितने में बेचा, तो 60 में बेचा था, तभी तो 17 51, 3 का घाटा लगने पे 17 के पीछे कितने रुपए का घाटा लग रहा है, 3 का, यानी 51 का। चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता है 841 का हम बात करें वर्गमूल कितना होता है, 29 होता है। अब बात कर लेते इसमें वर्ग पॉइंट के आगे कितने अंक आपको दिखाई दे रहे, कितने हैं, 6। तो वर्गमूल में पॉइंट के आगे कितने अंक हो गए, आधे अंक कर दो, यानी 3 अंक हो गए, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, 0.029, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, डी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे। चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। निम्न में से सबसे बड़ी 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। तो 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या आपको पता है, बात करें यदि हम आपको पता है 100 का वर्ग की बात करें, तो 100 का वर्ग कितना होता है, आपको पता है 10,000 होता है, कितना होता है, 10,000 होता है। इसका मतलब ये तो कितने अंकों की होगी, ये तो होगी 5 अंकों की। इसका मतलब 99 का वर्ग कितना होता है, 99 का वर्ग आपको पता है कितना होता है, 98.01 होता है। तो हम बात करें तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगी, क्योंकि आगे तो फिर की कौन सी आ गई, 5 अंकों वाली आ गई। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ए राइट होगा। आप आराम से इस तरह से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और बाकी कोई भी संख्या दिखाई दे रही उस वो पूर्ण वर्ग नहीं है, आप देख रहे पा रहे हो। अब बात कर लेते ये बात करें 9999, ये कहे तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, और यदि पूर्ण वर्ग की बात करें तो ये है, आपको ध्यान रखना। चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका लाइव चैट में सही जवाब दे पाते। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुतम समावर्ते इतने और इतने हैं, तो एक संख्या इतनी है, आपको पता होना चाहिए दो संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी ए गुणा बी होता है, वो किसके बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है, किसके, एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। इस तरह से आप हल कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, 18 गुणा कितना, 18 गुणा 3780 क्या, बट्टे में किसका भाग देना पड़ेगा, एक संख्या जो दे रखी है उसका भाग दे दो, 540। अब बात कर लेते हैं, जीरो से जीरो काटा और 18 54। अब 3 का भाग दे दो कितनी बार गया, एक बार, दो बार और फिर 6 बार, यानी संख्या आपकी कितनी आएगी, 126 आएगी, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, डी राइट होगा। काफ़ी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे पा रहे। ये वह आपका मैथमेटिक्स का पार्ट पूरा। अब हम लेते हैं किसका, जनरल इंटेलिजेंस, यानी हम बात करें सामान्य बुद्धिमत्ता या कहीं तर्क शक्ति या कहीं रीजनिंग का पार्ट शुरू हो गया, जो कि आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। क्या है, विजय होने पर क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। तो विफलता, यानी हम बात करें विफलता यानी हारने के बाद आपको क्या मिलती है, हारने पे आपको पता है क्या मिलती है, आपको निराशा होती है, क्या होती है, निराशा होती है। अब आपको बात कर लेते हैं विफलता का मतलब क्या हुआ। अब कई विद्यार्थी सोच रहे हार होगा, हार और विफलता दोनों क्या है, पर्यायवाची है। यानी हम बात करें कोई व्यक्ति विजय होता है तो उसको क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, यानी वो खुशी खुशी क्या होता है, दूसरे काम करने के लिए प्रोत्साहित होता है। जबकि कोई मतलब हम बात करें विफलता यानी हार जाता है तो उसको क्या होता है, निराशा होती है, यानी काम करने का उसका मन नहीं करता है, निराशा हो जाता है। जबकि जीतने वाले का प्रोत्साहन होता है, आगे काम करने का मन करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, इसका डी राइट होगा, ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका लाइव चैट में सही जवाब दे पाते। क्वेश्चन क्या, 1, 2, 6, 7, 21, 22, 66, 67 आगे वाली संख्या क्या होगी, सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आपने देखा पहले क्या लिखा, 1 लिखा, फिर क्या लिखा, 2 लिखा, फिर क्या लिखा, 6, फिर 7, फिर कितना 21, फिर कितना 22, फिर कितना 66, फिर कितना 67, इस तरह से लिख रहा आगे। अगला वाला संख्या क्या हो गया आपको ज्ञात करें, तो आपको पता है 1 को 2 से गुणा किया 2, फिर हम बात कर लेते चलिए आगे देखते। ये तो बात हुई 1 और 2, यहां देखो 1 और 2 क्या लिखे, लगातार लिखे, 1 और 2 संख्या क्या लिखी है, लगातार लिखी, 6 और 7 क्या है, लगातार है, 21 और 22 क्या है, लगातार है, और 66 और 67 क्या है, लगातार। अब बात कर लेते फिर वो अगला कर क्या रहा है, देखो यहाँ को 2 को 3 से गुणा किया, कितने से गुणा किया, 3 से, 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया। और अब बात कर लेते 7 को भी 3 से गुणा किया, किससे गुणा किया, 3 से गुणा किया, यानी 7 3 21 हो गया। फिर बात कर लेते 22 को भी किससे गुणा किया, 3 से गुणा किया, इसका मतलब 22 3 कितना होता है, 66 होता है। अब आगे बात करें तो आपका बात कर लेते 67 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसका मतलब 21 80 लगी 2, 80 लगी 2 यानी 18 2 कितना हो गया, 20 ना, यानी आपका जवाब कितना आएगा, 201 आएगा। फिर आगे कितना आएगा, 202 आएगा। आपको पता है आगे वाली संख्या मुझे इसका मतलब कितना होगा, 201 होगा, 201 वाला ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और उसके आगे और बात करें तो कितना होगा, 202 होगा, इस तरह से, क्योंकि 202 संख्या लगातार है और फिर आगे वाली संख्या गुणा करके इस तरह है, देखो 7 3 21 या कहे 2 3 6 22 3 66 यानी 3 से गुणा कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन के सामने। अब शीघ्र ही क्लास शुरू मतलब खत्म होने वाली है, तो क्लास को सभी विद्यार्थी जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि फिर क्लास पूरी होने के बाद आप भूल जाते हैं लाइक करना, तो अभी लाइक कर दीजिएगा यदि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ। क्लास अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक पुरुष को और इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि वह मेरी बहन की माता की एकमात्र पुत्र का पुत्र है, तो महिला का भाई उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का, सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। ये रिश्ते का संबंध है तो आप आराम से इसका जवाब दे सकते हो, इसका क्या होगा, पिता होगा, क्या होगा। वैसे भी आप देख पा रहे उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, महिला का भाई, महिला का भाई है ना, भाई का रिलेशन बात करना है उस पुरुष के साथ। तो पहली बात तो ये क्या है, भाई पुलिंग है, तो इसका मतलब पुलिंग में देखो ऑप्शन पुलिंग में आपको पिता एक ही दे रखा है। आप बिना मतलब टिक करे आप जल्दी से इसका टिक कर सकते हैं, यानी बिना पेन चलाए यदि आप थोड़ा सा ध्यान दे ले, क्योंकि रिलेशन आपका कह रहा है भाई उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, यानी भाई यहाँ बात कर रहा है भाई का संबंध कह रहा है उसका, इसका मतलब भाई पुलिंग है, तो लगेगा तो पुलिंग के रूप में या तो पिता दादा जो भी लगेगा होगा पुलिंग आपके ऑप्शन में, बाकी सब स्त्रीलिंग है, पुलिंग एक ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, डी राइट होगा। ये आप सोल्व अपने आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, ये समझाऊँ क्या, समझाने की जरूरत भी नहीं है, वैसे रिलेशन वाला टॉपिक करवाऊंगा तब मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन के सामने। निम्न में से गलत संख्या को चुने, तो आपको दे रखा है 17, 19, 23, 29, ये क्या है, अभाज्य संख्या है दोस्तों, क्या ये अभाज्य संख्या है, तो इनमें कोई भाज्य संख्या तो नहीं दे दिए। देखो आप ये देखो 33 33 क्या है, भाज्य संख्या, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, सी राइट होगा, क्योंकि 33 गलत लिख रखा है। आपको पता है 29 फिर क्या आएगा, 31 आएगा, कितना आएगा, 31 आएगा, अभाज्य संख्या आपको लिखनी है तो 33 नहीं आएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। नरम स्पंज तो तेज क्या होगा, आपको पता है क्या होता है, चाकू होता है। आपको पता है चाकू क्या होता है, चाकू जो कि क्या होता है, तेज होता है। चाकू क्या होता है, तेज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चाकू क्या होता है, तेज होता है। और आप बात करें तो ये स्पंज है, स्पंज क्या होता है, नरम होता है। स्पंज आपको मतलब तकिया को या कहते हैं इस तरह से, ठीक है। तो स्पंज क्या होता है, नरम होता है, तो चाकू आपको पता है तेज होता है, इसका मतलब इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, बी राइट होगा। ये थी दोस्तों आज 50 क्वेश्चनों की क्लास, आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करके जाइए, और जो भाई चैनल पे नया है वो आरजी कृष्ण एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास रोजाना या 11 बजे लाइव क्लास लगती है तो रोजाना क्लास लाइव आप ले सकते हो। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिनको
चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। जिन्होंने अभी तक हमारी ई बुक डाउनलोड नहीं की है वो जल्दी से हमारी ई बुक डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको फ्री में ई पीडीएफ मिलती रहती है। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।